तो भाई चिराग भाई मैनुअल जीप में पावर स्टीयरिंग वाली है ना, जिसमें पावर हाथ से लगानी पड़ती है, पावर हाथ से लगानी पड़ती है। अब हम वो लिकेट लेंगे ना, ना नीचे नहीं, नीचे नहीं, यही घूमेंगे बस। हाँ, और भाई शाम को 6:30 बजे नहाए हैं, मतलब ना तो दिन में भी लिए थे उसमें नदी में, पर प्रॉपर कमरे में आके नहाए 6:30 बजे नहाए। हाँ, अब एकदम फ्रेश कपड़े देख रहे हो, बदल लिए हमने, दो दिन से वही उन्हीं लत्तों में घूम रहे थे, अब हमने बदल लिए। और अभिनव जी भी नज़ारों का आनंद लेते हुए, 4x4 का आनंद ले रहे हैं अभिनव जी। अभिनव जी बिल्कुल सर, है ना, हम भी ट्राई करेंगे। हाँ, ये 4x2 वाले आदमी भी 4x4 चलाएंगे अब थोड़े दिनों में, देखो सब। ये भाई हमारा बाहर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऐसे जाली में से झरोखे में से देख रहे हैं। और अभी एक कुछ दिखाई दिया था भाई, क्या बोलते हैं उसको, सांबर नहीं है, यहाँ के कुछ अलग ही चीज है। देखो वो दिखाई दे रहा है, वो उसकी आंख दिख रही, मतलब कैमरे में तो नहीं दिखेंगी, हल्की सी चमक रही है वो, देखो चमक रही है, चमक रही चमक रही। नहीं, रात को यही मिलते हैं मोस्टली ना, मतलब वो सांबर वगैरह मिलते हैं, पर ये चीज है, मतलब ये है कि अगर कुछ देखना है ना तो गाड़ी वहाँ है। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज संडे, यहाँ से हम निकल रहे हैं, निकलने का प्लान हो गया, नहा धो के रेडी हो गए भाई, नहाए धोए ऐसे ज़्यादा खास पता नहीं चल रहा होगा, बट फिर भी अभी निकलेंगे नाश्ता करके यहाँ से, और मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे बाकी भाई लोगों के पास, तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। टोटल 3 गाड़ियाँ आई हैं भाई हमारे रेडर्स क्रू में इस बार, एक फॉर्चुनर है, एक थार है, एक वॉल्वो है। तो वॉल्वो को तो हम छोड़ा है नीचे ही, चांस लिया नहीं, फंस जाती क्योंकि रास्ता एक्सट्रीम कंडीशंस में ख़राब है, बड़े बड़े पत्थर हैं, पानी से तो निकल जाती लेकिन पत्थरों में फंसने का डर था। तो हमारे साथ जो 2 गाड़ियाँ आई हैं वो एक चिराग भाई की आई है और एक अजय भाई की आई है। आप ये देखो, ये है चिराग भाई की थार और ये है अजय भाई की फॉर्चुनर। 4x4 गाड़ियाँ ही यहाँ पे आ सकती है वैसे, क्योंकि 4x2 में अटकने का चांस है, तो कोई भी भाई जो आ रहा है रिस्क ना ले यहाँ पे, 4x2 लेकर आने की ना सोचे। 4x4 है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो। ये भाई पूरी प्रॉपर्टी है, हमारा एक रूम उधर था और 2 रूम हमारे इधर है। धूप की वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रुको, ये भाई हमारे रजत भाई है जिन्होंने हमारे को पूरा डाटा इकट्ठा करके दिया। देखो लगे हुए हैं अभी भी, अभिनव प्रगति पे है, अभिनव जी तैयार हैं एकदम निकलने के लिए कि नाश्ता करो निकलो भाई, बहुत देर हो गई, जयपुर भी पहुंचना है, समय पे पहुंच जाएंगे भाई। हो गया डाटा, अब उसमें गोप्रो वाले में कौन सा डाटा चाहिए आपको? गोप्रो वाले मैंने बताया था ना, वो जो समुद्र के अंदर मछली वाला। अभी अपन जैसे यहाँ से जाएंगे, हाँ, वही जंगल में से होते हुए जाएंगे, हाँ, तब आराम से तबियत से जाएंगे धीरे धीरे, हाँ, देखते हुए, हाँ, जब अपन परसों आए थे जब तक तो अंधेरा था बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो भाई नाश्ता करने आ गए हैं अपन, और आज नाश्ते में छोले पूरी भाई फ्रूट। और ये भाई सामने हमारे अजय भाई, अजय भाई के चैनल का नाम है ऑफ रोड ब्लॉग अजय। तो भाई का चैनल देखें भाई, ऑफ रोडिंग से रिलेटेड जिनको शौक है उस भाई देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चिराग भाई तो लग गया खाने, हाँ भाई ना ठीक है जरूर। ये बाकी हमारे भाई गए नहाने और देखो नदी में नहाके ठीक ठाक आ गए, मगरमच्छों ने नहीं खाया तो वे भी आके खाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो भाई नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी जो एक नीचे वॉल्वो खड़ी है उसको वहाँ से लेके और निकलेंगे जयपुर के लिए। और भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? एक नंबर एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया, स्वाद आ गया बिल्कुल, मतलब दो आप भी बता दो भाई, दिन ऐसे निकलेगी बस भाई, एकदम बढ़िया मजा आया, लगा ही नहीं कि भाइयों से पहली बार मिले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों की दोस्ती है, चड्डी बड्डी, हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि भाई बहुत पुरानी दोस्ती है।
तो हमारा देखो भाई रिडर्स क्रू का पहला एक टूर था ये, और मेरे हिसाब से तो सबको मजा आया होगा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा ये, और अब जल्द ही एक नया टूर प्लान करेंगे जल्दी। हाँ, सब लोग मोस्ट वेलकम है हमारे साथ, सब लोगों का वेलकम है भाई, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। तो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है द रेडर क्रू के नाम पे, और फॉलो जरूर करना, लाइक करें, फॉलो करें, और बिल्कुल, और आने वाली जितनी भी ट्रिप होगी आपको हर ट्रिप का अपडेट वहाँ मिलता रहेगा आपको। पतझड़ का मौसम है, देखो पत्ते ही पत्ते पड़े सड़क पर, और बारिशों में कितना ग्रीन हो जाएगा, बारिशों में फुल ग्रीनरी हो जाएगी, फुल ग्रीन हो जाएगा ये। तो भाई 5 बजे हम रुके हैं शिवा ढाबा, मामा यादव शिवा ढाबा, चाय के टाइम पे लंच के लिए रुके हैं, अब लंच करेंगे उसके बाद सीधा जयपुर निकलेंगे। और फिलहाल एक डर है कि राणा के यहाँ से शिकायत ना आ जाए, भाभी जी शिकायत कर देंगी भाई 5 बजे रोटी खुवाई मेरे आदमी थे, शिकायत होगी होगी आपकी, शिकायत तो करेंगी मामा का आ रहे हैं जी, शिकायत करने वाले हैं बेहतरीन वाली आपकी, मामा के आए हैं ना, हाँ तभी तो मामा ढाबा पे रुकवाया है, मामा का है तो रोड जाएगा, सब टूट गया फिर भाई। ये क्या हुआ, इसके शॉकर सस्पेंशन टूट गया, कैसे एक्सीडेंटल आगे टूटी पड़ी पूरी गाड़ी, कैसे हुआ, लेकिन इसका तो सब खुल गया है, इस गाड़ी का तो भाई सब खुल गया, कैसे ब्लॉक उतर गया, भाई ये जो गाड़ी है ना इसका आप देखो, अभी गाड़ी घुमा के दिखाता हूँ कैसे सब खुल गया भाई, इसका तो सब स्प्रिंग सब खुले पड़े इसके, एक्सीडेंट हुआ जबरदस्त भाई साहब, इस गाड़ी की हालत आप देखो कि इसका सब कुछ खुला पड़ा है, लेकिन चोट किसी के नहीं लगी, ये अपने आप में एक बहुत फैमिली है, पूरी फैमिली है, और घबरा गए होंगे यार, इनका वो क्या टायर वायर का कुछ हुआ है, अजय भाई क्या बता रहे थे क्या हुआ इनका, एक्सीडेंट हो गया, नहीं टायर फटने से एक्सीडेंट हो गया होगा, नहीं तो टायर फटने से हो गया होगा ना एक्सीडेंट, लेकिन चोट नहीं लगी शुक्र है किसी के भी भाई, सब सही सलामत रहे, भाई इस टोल पे 15 मिनट लग गए, प्रधान जी है, प्रधान जी, प्रधान जी 15 मिनट से खड़े हैं, टोल देना है उसके लिए भी भाई सब लाइन लगा के खड़े हैं कि पैसे ले लो हमसे, और हमें जाने दो किसी तरह, यूपी के बाहुबली, यूपी के बाहुबली। हाँ खुलवा दे भाई, खुलवा दे सारे, तो थोड़ा संभाल के रखना। तो भाई अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ से सबके रास्ते अलग अलग होने वाले हैं, भाई जाएंगे इधर कुंडली से और हम लोग जाएंगे पलवल की तरफ से जयपुर, मैं कॉलेज जाऊंगा, हाँ भाई तो जाएगा कॉलेज, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी तो भाई बहुत बढ़िया टूर रहा, बहुत बढ़िया आनंद आया, एक नंबर आनंद आया, एक नंबर। और तो भाई हम पहुंच गए 10:30 बजे के करीब पिंक स्क्वायर, हमारी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पे हमने रजत भाई को छोड़ दिया, बस अभिनव जी को घर छोड़ के, और घर जाके सोएंगे, आराम करेंगे। भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आप लोग ब्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जल्दी आपको नेक्स्ट ट्रिप भी देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ट्रिप बनेगी जल्दी देखने के लिए, चलो गुड नाइट।
ये भाई हमारी पूरी टीम है जो आए थे, हम पूरा गैंग है ना ये भाई है ना, तो ये भाई सब थे। और हमारा ये रोहित भाई के रिजॉर्ट में हम रुके थे, द वाइल्ड हेरिटेज, पूरे जिम कॉर्बेट में नहीं है भाई। हमें तो एक नंबर मजा आ गया भाई, सर्विसेज बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया। जाने का मन नहीं कर रहा भाई, भाई को ही रख लो, हमारा भी इसको लेके जाने का मन नहीं है, हमारा भी मन नहीं इसको लेके जाने का, रख लो अब दो तीन दिन की जरूरत नहीं है।